सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी किस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम पी के ऊपर मैं अंकित सिंह सभी लोगों का स्वागत करता हूं आ, जितने भी लोग इस टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग भाई अबीर गुड मॉर्निंग मैं डेली इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता हूँ बजे के बीच में यहाँ पे आपको मुहैया रहता हूँ जितने भी लोग नए लर्नर्स मुझे दिख रहे हैं मैं एक बार आपको बता दूं मॉर्निंग टाइम पर मैं एक लेक्चर लेता हूँ यूट्यूब केम पी एग्जामिशन के ऊपर और दोपहर के समय साढ़े ग्यारह बजे मैं आपको लेता हूँ इसी चैनल के ऊपर जिसको आप बोलते हो क्या एम पी थ्री सिक्सटी चैनल और यदि कोई शाम को अटेंड करना चाहता है तो शाम को अटेंड कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है आठ बजे वाली क्लास तो जो आठ बजे जो मैं आपको मिलता हूँ ये अनडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं मिलता हूँ तो ये स्पेशल क्लास है आ, सभी के लिए ओपन क्लास है यहाँ पर किसी को भी कोई ऐसा है रेस्ट्रिक्शन नहीं है सभी लोग इस क्लास को आकर ज्वाइन कर सकते हैं तो इस क्लास पर रात में आठ बजे मिलता हूं मगर आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो लोग नए लर्नर्स हैं तो वो कोड यूज करेंगे अनएकेडमी और कोड यूज करेंगे अंकित ए एन के आई टी अंकित सीटन स्कोर का यूज करके वो क्लास में एक्सेस हो सकते हैं या क्लास में बैठ सकते हैं तो मॉर्निंग टाइम पर मैं दो क्लास में और इवनिंग टाइम पर मैं अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता हूँ चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का लार्जेस्ट इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका नाम है अनएकेडमी और यहाँ पर ये कुछ डिफ्रेंशिएट कराता है जैसा कि मैंने अभी बोला था ना मैं फ्री क्लास है जो स्पेशल क्लास है ये ये फ्री क्लास रहेगी तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं क्या क्या होती हैं वो आपको कंपेयर कराया गया है और जो प्लस होता है यहाँ पे पेड दे पेड आपको देखने को मिलेगा और जो कोर्स रहेगा यहां पे ढेर सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस होगा लगातार प्रैक्टिस टेस्ट होंगे यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पर ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे तो आप दोनों को आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है यदि मैं आगे की तरफ बात करू यदि कोई प्लस कोर्स लेता है तो क्या क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी जो फैकल्टी जिसके आप पढ़ना चाहते हो उससे आप लर्न कर सकते हो स्ट्रक्चर लर्निंग रहेगी आप पीडीएफ नोट्स के जरिए यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपके बैच रहेंगे हिंदी मीडियम अलग इंग्लिश मीडियम अलग रहेगा पोल कमेंट क्विज की यहाँ पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी तो ढेर सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं प्लस क्लास में आपको ये देखने को मिलेंगे यदि मैं आगे बात करूँ अन एकेडमिक की यहाँ बैचेस की बात करूँ तो यहाँ पे हर महीने 10 से 15 बैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं तो ढेर सारे यहाँ पे बैच चल भी रहे हैं जो तैयारी करा करा रहे हैं या तैयारी को बूस्ट करा रहे हैं ये आठ महीने का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया आप देखें आप यहाँ पे नीरज सर वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे तो ये फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्वागत पिंकी फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरुआत का हो चुका है साठ दिन का ये एम सी क्यूस बैच है हिंदी मीडियम का बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है देखिए यहाँ पे लोकेश सर नीरज सर आपको देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके अलावा देखें आप यहाँ पर एक बैच और स्टार्ट किया गया सिक्स डेज का एम सी क्यू भी है ये कल से ही यहाँ बैच स्टार्ट हुआ है तो करीब बीस से पच्चीस बैच या पंद्रह से बीस बैच आपको हर महीने स्टार्ट होते हैं यहाँ पर ये देखें लिस्टिंग बनी हुई है कौन कौन से बैच यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं यदि करंट की बात करें तो सत्ताईस अट्ठाईस और तो तीस अप्रैल को यहाँ पर बैच स्टार्ट हुए हैं तो जो भी यहां पर एडमिशन लेना चाहे तो क्विक रिस्पॉन्स दें जल्दी से आप एडमिशन ले लें और एडमिशन लेते समय टेन परसेंट का आप डिस्काउंट चाहते हैं टेन परसेंट की आप छूट चाहते हैं तो अब कोड का यूज करना अंकित ए एन के आई टी अंकित सी टेन स्कोट का यूज करके टेन परसेंट डिस्काउंट आप इजीली गेन कर सकते हैं ठीक है तो यहां तक बात हुई क्लियर अन अकेडमी ने अपने लर्नर्स के लिए एक नया ऑप्शन खोला है एक नया फीचर वो लेकर आई है नया फीचर फीचर यहाँ पे याद हुआ है लाइव क्विज का तो यहाँ पे आप सीधा क्लिक करके लाइव क्विज में आप ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे अन अकेडमी की आप देखें एक तो आपको अर्धमासिक पत्रिका देखने को मिलेगी वर्चस्व के नाम से आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग सालू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रानी सभी का स्वागत है हाँ जितने भी लोग इस टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ठीक है बात करते हैं अनएकेडमी पर जो व्यापम कैटेगरी है या पीएससी कैटेगरी है सभी इनके कोर्सेज की अपन बात करें तो आप सभी देखें तो ये जो कोर्सेज हैं बहुत ही नॉमिलल फीस के साथ डिज़ाइन किए गए हैं आप देखें एक वन मंथ की फीस है थ्री मंथ की है सिक्स मंथ की है ट्वेल्व मंथ की है और ट्वेंटी फोर दो साल की है और मंथली देखें आप ये बहुत ही नॉर्मल फीस देखें आप पाँच सौ तैतीस सात सौ तेतीस ये मंथली फीस है और इतनी कम फीस पर आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और लीगली क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है तो जो आपके एम को बहुत ज्यादा नजदीक ले आएंगे आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एनहांस कर देंगे तो इतनी नॉर्मनल फीस पर यदि आपको लेने को मिलता है तो इससे अच्छा मौका आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा और यदि इन फीस पर भी आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो यहां पर आप टेन परसेंट का डिस्काउंट गेन कर सकते हैं आपको यूज करना पड़ेगा कोड अंकित ए एन के आई टी अंकित सीट एंड स्कोट का यूज करके इस प्रिपरेशन पर भी आप टेन परसेंट का डिस्काउंट इजीली गेन कर सकते हैं जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे पीडीएफ के थ्र, थ्रो नोट्स भी देते हैं यहाँ पे लाइव पोल भी होता है पोल में आप देखें आप पोल में क्या होता है आपको थर्टी सेकंड या फिफ्टी सेकेंड का समय मिलता है और यहाँ पे लाइव क्या होता है क्विज कंडक्ट कराए जाते हैं जब लाइव क्विज कंडक्ट यहाँ पे कराए जाते हैं तो यहाँ पर रैंक भी आपकी बताई जाती है कौन सी रैंक आपकी यहाँ पर आई है तो ढेर सारे आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे चलिए बात करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको दो चैनल के ऊपर उपलब्ध रहता हूँ एक है एम पी लेट्स क्रैक एग्जामिनेशन यहां पर मैं आपको दस बजे उपलब्ध रहता हूँ और जो दूसरा जो चैनल जो होता ही है एम पी थ्री सिक्सटी तो यहां पर मैं आपको उपलब्ध रहता हूँ कितने बजे साढ़े ग्यारह बजे मैं आपको उपलब्ध रहता हूँ ठीक है इसके अलावा यदि आप शाम के समय मुझे अटेंड करना चाहें तो रात के आठ बजे मैं आपको उपलब्ध रहूंगा कहा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध रहूंगा तो ये फ्री प्लेटफॉर्म रहेगा यहाँ पर आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा ये अंक के सीट एंड कोड का यूज करके आप क्लास में आप बैठ सकते हो इसके लिए करना क्या पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले करना ही पड़ेगा आपको अनएकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इसके एप्लीकेशन को और एक्सेस करने के लिए कोड का यूज करना यदि आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से आप क्लास में आकर बैठ सकते हैं आ, जैसा कि मैं हरदिनी अपना नाम बताता हूं कुछ लोग नए लाइडर्स यहां पे जुड़े हुए हैं तो मैं अपना नाम बता दूं मेरा नाम है अंकित सिंह मैं पिछले सात से अधिक सालों से साइंस और टेक पढ़ा रहा हूं और यहां इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कीन ऑब्जर्वेशन या जितने भी जो एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चन करते हैं साइंस टेक के तो इसके लिए मेरा अपना खुद का एक रिसर्च वर्क तैयार है कीन ऑब्जर्वेशन भी है और डिटेल एनालिसिस भी मेरा खुद का ही तैयार है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से साइंस टेक पढ़ाता हूँ ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके उन बच्चों का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जो साइंस और टेक बैकग्राउंड के नहीं हैं ताकि उन बच्चों के मार्ग में कहीं ना कहीं साइंस टेक अवरोध बनता था तो ये अवरोध ना बने ये हार साबित ना हो इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ तो मेरे पढ़ाने में आप देखेंगे मैं ट्रिक्स का यूज करके जिंगल का यूज करके इस तरीके से रोचक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि ये जो सब्जेक्ट है आपका जो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कही आपको बाधा बनता था ये कहीं बाधा आपको नहीं बनेगा चलिए जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अभी पिंकी सालू रानी जितने भी लोग अभी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बोला था एक नया सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे सिस्टम का नाम क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं कि आप मानव पाचन तंत्र इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख डरे ना हिंदी में भी इस बार तो मैंने कुछ लिखा है ठीक है तो जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नया सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है बात करते हैं पाचन तंत्र की अपन बात करते हैं तो पहले मैं डायग्राम से स्टार्ट करना चाहूंगा फिर मैं आपको कहानी पूरी बताऊंगा चलिए बात करते हैं, जो की बात करते हैं कि इसको इवॉल्व क्यों किया गया शरीर में क्यों दिया गया है इसका एम क्या है इसका लक्ष्य क्या है बात समझना सपोज अपन खाना खा रहे हैं चलो रोटी खा रहे हैं तो आटे की रोटी बन रही है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो आटे का है आटे में पानी को पानी में घोल के करना मत कभी उसको सीधा इंट्रावीनस सीधा में लगा लूं आटा ही तो है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं मैं सीधा आटा आटे को घोल के सीधा में नहीं लगा सकता हूं क्यों नहीं लगा सकता हूं? उसका बहुत अच्छा रीजन है क्या कि जो आटा जो है ये कार्ब है ये कार्बोहाइड्रेट्स है अब कार्ब जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है ये जटिल खाद्य पदार्थ है अब पाचन की डेफिनेशन क्या होती होती है है पाचन की डेफिनेशन भी यहीं से स्टार्ट क्या कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैनर अलग अलग भागों में क्रमशः क्या करना सरल पदार्थों में तोड़ना यही कहलाता क्या डाइजेस्टिव सिस्टम और वहां से एनर्जी को कंज्यूम करना एनर्जी का क्या करना उपयोग करना तो इसी को ही बोलते हैं अपन क्या पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र की यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ परिभाषा की बात करता हूं तो होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अलग, अलग अलग भागों में शरीर के क्या करना तोड़ना और वहां से एनर्जी को क्या करना यूज करना ये क्या कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम अब आपको समझ में आएगी ये डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ इस डेफिनेशन से कम से कम तीन से चार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं तो आप देखें It is the process by which complex food substances like protein, fats, polysaccharides, and disaccharides are broken down a gradually step-by-step -step manner in different parts of alimentary canal, in which the help of enzymes in hydrolysis process into smaller, into smaller or simpler absorbable substances like amino acids, fatty acids, glycerol, disaccharides, and monosaccharides. पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है उसमें यह बता रहा है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो हैं इनको सरल पदार्थों में तोड़ना सरल पदार्थों में कैसे तोड़ना देखो यहाँ के ब्लैंक पेज को तो मैं आपको बताता हूं देखो सपोज मैंने आपको बोला क्या मैंने बोला आपको स्टार्च स्टार्च को तोड़ना किस में ये टूट जाता किस में माल्टोज में और डेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया भाई मैंने बोला प्रोटीन इसको किसमें तोड़ना भाई इसको प्रोटीन को तोड़ना किसमें एमाइनो एसिड में एमिनो अम्ल में तोड़ना फैट को देखो बसा को फैटी एसिड बसी अम्ल और गोलेस्ट्रॉल में तोड़ना पॉलीसेकेराइड को देखो पॉलीसेकेराइड को किसम तोड़ना डाइसेकेराइड डाइसेकेराइड में डाइसेकर मोनोसेक्राइड में तो पाचन तंत्र की परिभाषा यह है कि जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ हैं जितने भी जटिल पदार्थ हैं पाचन तंत्र के अलग अलग भागों में अलग अलग सूटेबल पीएच पे अलग अलग माध्यमों में छोटे सरल प्रकार के पदार्थों में तोड़ना और यहाँ से जो एनर्जी जो बनेगी उसको कंज्यूम करना उसको एनर्जी का उपयोग करना ही क्या कहलाता है डाइजेशन कहलाता है तो वही देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है देखो आप पाचन शरीर के अंदर होने वाली कैसी उपापची मतलब उपचय और अपचय कुछ बनना और टूटना जिसके अंतर्गत जटिल खाद्य पदार्थ उदाहरण के तौर पर प्रोटीन देखो में यहां पे आप देखो स्टार्च ग्लूकोज में क्या होता है टूटता है तो मतलब जटिल खाद्य पदार्थों को जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना अलग अलग भागों में और अलग अलग पीएच पर इसको अपन क्या बोलते हैं डाइजेशन जिसको बोलते हैं क्या पाचन तो मेरे ख्याल से आपको पाचन तंत्र की परिभाषा समझ में आई होगी तो पाचन तंत्र दरअसल है क्या अलग अलग खाद्य पदार्थों को या जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग पीएच पे अलग अलग एंजाइम के करते हैं उसको तोड़ने का कार्य करते हैं और उन जो छोटे पदार्थ जो वहां से एनर्जी को कंज्यूम करना एनर्जी का उपयोग करना इसी को ही बोला जाता है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं आप पाचन तंत्र क्या जो मैंने आपको डेफिनेशन बताइए आपको समझ में आई कोई डाउट हो तो आप पूछना फिर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछा है ठीक है बहुत बढ़िया तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई जो जटिल खाद्य पदार्थ तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था आप देखें कैसा क्वेश्चन पूछा था उसमें ये पूछा था कि स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में होगा तो माल्टोस और डेक्सटम होगा प्रोटीन किस में टूटेगा तो प्रोटीन एमाइनो एसिड में टूटेगा बसा बसी अम्ल ग्लेस्ट्रोल में टूटेगा पॉलीसेक्राइड किस में टूटेगा ये टूटेगा ठीक है रानी बहुत बढ़िया

आगे अपन तरफ बात करते हैं तो आप देखें। अगला अगला सेंटेंस क्या बोलता है कि डाइजेशन यूनिवर्सल फिनोमिना पाचन जो होता है कैसा है यह सार्वभौमिक क्रिया है मतलब सभी जीवों में देखने को मिलेगी फाउंड इन होल एनिमल किंगडम ये सभी जीवों में पाया भी जाता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्लास सिस्टोरा देखो जब मैं आपको बताऊंगा वर्गीकरण बताऊंगा तो उसमें हाँ ठीक है ओके पिंकी जब मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा तो उसमें क्लास आएगी तो उसमें अपन फायरम किंगडम बहुत सारे अपन देखेंगे तो उसमें क्लास होती क्लास सिस्टोडा तो जो सिस्टोडा के जो एनिमल होते हैं देखो यहाँ पे डाइजन पाचन क्या होता है अपवाद है डायसन क्या होता है अनुपस्थित होता है हिंदी में आपको समझ में आएगा पाचनिक सार्वभमिक क्रिया ठीक है सभी जीव करते हैं पाचन करना है ठीक है ये सभी प्राणियों में देखने को मिलता है बिल्कुल देखने को मिलता है अपवाद है एक क्लास कौन सी होती है सिस्टोडा इसका मतलब सिस्टोडा के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं जितने भी जीव आते हैं उनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है गौर करने वाली बात है इनमें सिस्टोडा के अंदर क्या आते हैं इसमें आपको मिलेंगे फ्लैट वम हिंदी बोलते हैं चपटे कृमि जो होते हैं ना जितने भी फ्लैट वार्म हिंदी में बोलते क्या चपटे कृमि जितने भी चपटे कृमि जो होते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा पाचन तंत्र देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन है कि भाई भोजन कैसे करते होंगे ये बात समझ में आ रही है आपको तो मैंने क्या बोला जो फ्लैटवॉर्म जो होते हैं यहाँ पे आपको डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा यहां पर आपको किसी भी प्रकार का पाचन देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन है कि होते क्या है कैसे काम करते होंगे फ्लैट वम तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्लैट वॉर्म की बात करता हूँ काम कैसे करते होंगे आप देखो जो चपटे कृमि जो होते हैं ये होते हैं का टोटल पैरासाइट होते हैं पैरासाइट का मतलब ये क्या होते हैं परजीवी होते हैं मतलब ये होस्ट के अंदर मतलब पोषक के अंदर सपोज ये गाय भैंस है उसके अंदर देखो आप सुना होगा अपने फीता कृमि वगैरह टीनिया सेजिटेरिया फीता कृमि वगैरह बहुत सारे कृमि होते हैं मनुष्यों के अंदर भी होते हैं तो ये कृमि क्या होते हैं शरीर के अंदर होते हैं ये क्या काम करते हैं जो भी आप खाना खाते हो आपका पाचन तंत्र उसको पचाता है तो उस पचित भोजन का अवशोषण बस करते हैं जितने भी जो कृमि जो होते हैं अब चूंकि पचे पचाए भोजन का अवशोषण कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास क्या होगा इनके पास पाचन तंत्र जरूरत ही नहीं भाई आपको पाचन तंत्र चाहिए था भोजन का पाचन करने के लिए तो वो जानवर था उसने कर दिया। तो वहां से केवल आपने एनर्जी, कर एनर्जी का आपने कर कर लिया तो इन जीवों में आपको जितने भी एनिमल आते हैं वहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र देखने को नहीं मिलता क्या। एक बार बना है चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देखो ऑब्लिक देखो टाइलिन ऑब्लिक नाम पढ़ पा रहे हो आप मैं लिख देता हूं भाई हिंदी में इसको बोलते हैं क्या एमाइलेज बहुत बढ़िया या इसी को ही क्या बोलते हैं टाइलिन मैंने कई बार आपको बताया है पी साइलेंट होता है पटाइलिन इसको नहीं पढ़ा जाता है यह क्या कहलाता है एमाइलेज या टाइलिन कहलाता है ठीक है तो देखो आपने क्या लिखा कि एंजाइम एमाइलेज ऑफ्लेट टाइलिन आल्सो फाउंड इन होल एनिमल किंगडम ये पूरे प्राणी जगत में आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्ट फाइलम सीलेंट्रेटा तो सीलन टिटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं यहां पर क्या होता है पाचनता यहां पर क्या होता है एमाइलिस एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा तो अपने क्या लिखा विच कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च इसका मतलब आपको बताता हूँ टाइलिन एंजाइम टाइलिन या इसी को आप क्या बोलते हो एमाइलिस टाइलिन एंजाइम एंजाइम या सभी जीवों में पाया जाता अपवाद क्या इसका के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वहां क्या देखने को नहीं मिलेगा आपको वहां पर आपको आ, या टाइलिन एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा अब क्वेश्चन यह है कि एमाइलेस या टाइलिन एंजाइम काम क्या करता है तो उसके लिए मैं एक नीचे रिएक्शन लिखना चाहूंगा सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा रिएक्शन के ऊपर आप देखें बात मैंने की स्टार्च की बात की तो यहां मैं एंजाइम लिखता हूं वही कौन कौन से हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं एमाइलेज या टाइलिन कितने पीएच पर पीएच 6.8 पर यह क्या काम करता है स्टार्च को तोड़ता है किसमें यह तोड़ता है इसको माल्टोज और डेक्सटिन में माल्टोस क्या होता है भाई माल्टोस के साथ सेकराइड और ये आता है में। मत को समझ आ रही है ये क्या कहलाता कहला है? ये कहलाता है पॉलीसेक्राइड क्वेश्चन बन चुका है चलिए बात करते हैं, मैंने बोला था क्या स्टार्च देखो तो एमालिस एंजाइम काम क्या करता है जितने भी लोग जुड़े हुए पेशेंस के साथ आप सुनना एमालिस एंजाइम काम क्या करता है तो मैंने काम को इस रिएक्शन के थ्रू बताया है देखो मैंने क्या बोला जो स्टार्च जो होता है स्टार्च कहला क्या कहलाता है मैंने कई बार बताया पॉली होता है देखो आप सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ ये होता है ग्लूकोज और यदि मैं लगा दूँ होल एन तो इसी को बोला जाता क्या यही कह रहा था क्या पॉलीसेक्राइड इसी को ग्लूकोज की बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई चेन ये क्या कहलाती है पॉलीसेक्राइड तो स्टार्च जो होता इसको है इसको बोलते हैं क्या पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च का पाचन कौन करता है एमाइलेज या टाइलेन ये देखो वही है एमाइलेज या टाइलेन ये एंजाइम क्या काम करता है ये एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है ये स्टार्च को तोड़ देता है इसका ब्रेक डाउन कर देता है किस किस में तोड़ तोड़ता भाई ये इसको तोड़ दिया माल्टोस और डेक्स में तोड़ देता है कौन स्टार्च को कौन एमाइलेस या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है अब इस पॉइंट की तरफ चलते हैं तो पढ़ने क्या लिखा था कि एमाइलिस एंजाइम हर जगह देखने को मिलता है सभी जीवों में देखने को मिलेगा मगर सीलन टेटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं यहां पे आपको एमाइलिस या टाइलिन एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा इसलिए विच कांट डाइजेस्ट स्टार्च तो इस अं, इसके अंतर्गत आने वाले जीवों में स्टार्स का पाचन नहीं होता है तो ये पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया गया है आई होप ये समझ में आया होगा आपको सेकंड वाला पॉइंट क्या कुछ समझ में आया ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था ठीक है ओके भाई अगला देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है ये भी बहुत बहुत काम का पॉइंट देखो एंजाइम पेप्सिन देखो ये लिखा है पेप्सिन देखो एंजाइम पेप्सिन कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको वर्टीब्रेट्स में देखने को मिलेगा केवल और केवल कशेरुकी जीवों में आपको देखने को मिलता है ओके

तो ये सारे के सारे एंजाइम आपको कहां कहां देखने को मिलेगा ये एंजाइम आपको में देखने को मिलेगा मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती केवल उन्हीं में देखने को मिलेगा जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनमें देखने को नहीं मिलेगा तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि पेप्सिन एंजाइम फाउंड इन ओनली इन बर्टीब्रिड्स जिनमें रीढ़ की हड्डी कसी जीवों में क्या पाया जाता है पैप्सिन एंजाम पाया जाता है ये काम क्या करता है इसको मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा अगला आप देखिए बहुत अच्छा काम का एंजाइम देखो

ऐसी को आप बोलते हो क्या टाइलेन। आ, दूसरा और दूसरा मैंने आपको बताया पेप्सिन और दूसरा मैंने आपको ट्रिप्सिन

इसमें देखने को नहीं मिलेगा तो आप देखो मैं लिख देता हूँ भाई जो तो एमाली एंजाइम में कहाँ देखने को मिलेगा भाई ये सभी एनिमल्स में देखने को मिलेगा इसका एक्सेप्शन क्या है इसका अपवाद क्या है देखो आप अपवाद है सिलेंटिटा जो सिलेंटेटा के जो एनिमल होंगे जितने भी एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं सिलेंटेटा में, है, में वहाँ आपको देखने को ये नहीं मिलेगा दूसरा मैंने क्या बोला कि देखो जो पेप्सिन एंजाइम कहाँ देखने को मिलेगा ये कसेरु जितने भी जो कसेरु जीव हैं वहाँ क्या देखने को मिलेगा पेप्सिन एंजाइम ये कहाँ देखने को मिलेगा जितने भी बर्टिब्रेड्स हैं मतलब जितनी भी कसेरु जीव हैं इसमें क्या देखने को मिलेगा एंजाइम देखने को मिलेगा और ट्रिप्सिन की अभी मैंने बात की थी ट्रिप्सिन कहां देखने को मिलता है देखो ऑल एनिमल सभी जीवों में देखने को मिलता है ये बात को रही ट्रिप्सिन कहाँ देखने को मिलेगा ऑल एनिमल्स तो तीन पॉइंट आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एमालिस एंजाइम कहाँ देखने को मिलेगा तो देखो सभी जीवों में सभी एनिमल्स में एमालस एंजाइम देखने को मिलेगा केवल और केवल जो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल जो होते हैं सिलेंट्रेटा में जो एनिमल जो आते हैं वहां पर एमाइलिस एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा अच्छा एमआलिस एंजाइम काम क्या करता है तो मैंने काम अभी आपको बताया था देखो एंजाइम का काम क्या होता है इसका काम होता है स्टार्च का डायसन करना स्टार्च स्टार्स का क्या करना पाचन करना तो ये आपको स्टार्च का पाचन कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो सिलेंट्रेटा के जितने भी जो एनिमल

ठीक है तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं नए तो यहाँ पर अपन पढ़ क्या रहे हैं अपन क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि पाचन तंत्र होता है तो मेरी तरफ आप ध्यान देना तो मैंने ये बताया था पाचन तंत्र का मतलब होता है जितने भी जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटें होते हैं जो तो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं इनको सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ देना और वहां से एनर्जी को कंज्यूम कर लेना एनर्जी को सोख लेना या उपयोग कर लेना जैसे आपने बोला कि स्टार्च तो मेरे जटिल है ये पॉलीसेक्राइड है तो स्टार्स टू तक माल्टोज में और डेक्सटेन में तो यहाँ से एनर्जी को ले लेना तो पाचन तंत्र की परिभाषा यही होती है कि अलग अलग जटिल खाद्य पदार्थों को अलग अलग पीएच पर अलग अलग, अलग एंजाइम के द्वारा शरीर के या पाचन तंत्र के अलग अलग भागों में सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना और वहां से एनर्जी को कंज्यूम करना ही क्या कहलाता है पाचन तंत्र कहलाता है तो वही मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन परिभाषा लिखी हुई थी फिर मैंने बताया था कि पाचन तंत्र हर जगह देखने को मिलेगा एक क्लास होती है वहाँ देखने को नहीं मिलेगा कौन सी क्लास सिस्टोडा सिस्टोडा के अंदर क्या आते? आते हैं फ्लैट वॉर्म्स आते हैं चपटे जितने भी कृमि होते हैं सब सिस्टो सिस्टोडा में आते हैं तो कृमि जो होते हैं एक काम करते हैं ये पोषक के अंदर रहते हैं ये मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं वो जो खाना खाता है उस पचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं उसको सोख लेते हैं बस मेरी उस पचित भोजन को सोख लेते हैं वहां से अपने भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो इसलिए इनको पाचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है अगला बात करते हैं एमालिस एंजाइम की अपन बात करते हैं तो मैंने क्या बोला था जो एमालिस एंजाइम हर जगह देखने को मिलेगा केवल एक जो फाइलम है कौन सा फाइलम सिलेंटेटा के जो एनिमल्स हैं यहाँ पे आपको ये एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब एंजाइम एक काम क्या करता है तो काम मैंने अभी आपको बताया था कि एमालिस एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है स्टार्च को पचाता है इसको माल्टोस और डेक्स्ट में ये तोड़ देता है तो जो सिलेंटेटा के जो एनिमल जो होंगे ये मैंने लिखा देखो सिलेंटेटा ये जो एनिमल होंगे इसमें क्या होगा इसमें स्टार्च का पाचन नहीं होगा बहुत बढ़िया ये बात मैंने आपको बता दी फिर मैंने क्या बोला कि जो पेप्सिन एंजाइम कहा देखने को मिलेगा ये में देखने को मिलेगा केवल और केवल आपको कसरों की जीवों में पाया जाता है ये भी बात क्लियर होगी और ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है ये सभी एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा तो कुछ मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी केवल और केवल एंजाइम्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई अलग अलग एंजाइम बताए कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे ठीक है आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा चलिए अब आगे जब बात करते हैं तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक पता होना चाहिए आपको रूट पता होना चाहिए तब जाके आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे अदरवाइज आपको आंसर लगाने में दिक्कत होगी तो मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि भाई बताओ कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है आज जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो मैं लिखना बिल्कुल चाहूंगा आपको एक दो बार बना के बताऊंगा क्योंकि आपको मीन्स में बनाना भी पड़ेगा दिखाई दे रहा है मुंह जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या माउथ जो जो होता, जो माउथ होता होता मुंह से पाचन तंत्र की क्या होती है शुरुआत होती है ठीक है तो पाचन तंत्र खाना अब मुंह में क्या क्या मिलता है यहाँ दांत मिलते हैं लार गंथियां मिलती है ढेर सारी यहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी अब पाचन तंत्र कहां, कहां से आगे बढ़ता है यहां से आप देखते आप चले हाँ अनकेडमी भी चली धर्म मेरी क्लास में रात के समय मिलता हूं आठ बजे आठ बजे मेरी स्पेशल क्लास चल रही है तो यहाँ पर मैं आपको रात रात को आठ बजे मिलता हूँ यदि आप नए हो तो वहां पर यूज कर लेना है कोड अंकित सीटेन जो भी लोग नए हैं अनकेडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री क्लास है कोई भी वहां पर वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा स्पेशल क्लास में अभी पढ़ा रहा हूं डेली आठ बजे वहां पर मिलता हूं मैं आपको तो वहां पर आपको करना क्या पड़ेगा केवल अंकित सी टन कोड का यूज कर लेना आपको क्लास एक्सेस हो जाएगी आप क्लास में आसानी से पहुंच तो जाएंगे ठीक है तो बात करते हैं कहां से स्टार्ट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पाचन तंत्र का पहला अंग होता है क्या मुंह अब मुंह में क्या मिलता है तो मुंह में देखिए अब दांत मिलती है जीभ मिलती है और सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां मिलती है तो इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि मुंह का काम क्या है लार ग्रंथियों काम क्या है लार का काम क्या होता है सारी बातें अपने इसमें देखते हुए चलेंगे फिर देखो आप देखा ईसो हिंदी में देखो उसको बोलते हैं आहार नाल आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पेन कॉपी लेकर बैठना भाई ढेर सारे मैं क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ और बहुत बहुत काम का मैं सिस्टम को पूरा समझाऊंगा और फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के देख लें सारे क्वेश्चन के आपसे आंसर बनेंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा बस तो याद कर लो इसमें तोड़ता तो है इसमें ऐसा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको आपको सिस्टम समझ में जाएंगे तो आपको सारे आंसर आपसे बनेंगे चलो बात करते हैं मुंह तो मुंह में क्या हुआ खाना को आपने खाया तो खाना कहाँ ये देखो दिखाई दे रहा खाना अंदर पहुंच रहा किसके माध्यम से ईसोफेगस के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा स्टमक में दिखाई दे रहा है आपको ये हिंदी में बोलने का स्टमक को इसको बोलते हैं आमास है। ये देखो कुछ आपको दिखाई दे रही है मैं कुछ और उसको कलरफुल करना चाहूंगा ताकि आपको ये आ, समझ में आए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं आई थिंक रेड कर देता हूं मैं ये देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ओके

लीबर को मैं आपको फिजिक्स बोलते हैं बोलते देखो लेबर देखो उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है मैं क्लियर बना देता हूं यहां पे देखो आपको ऐसा इसको बोलते हैं गोल्व ब्लैडर हिंदी में इसको बोलते क्या भाई इसको बोला जाता है पित्ताशय बहुत बढ़िया

हा इसमें दिखाई दे रहे बिल्कुल तो क्लियर इसमें सारे आपको समझ में जाएंगे। देखो। पहले मैं इन अंगों के नाम लिखना चाहूंगा फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा अभी केवल क्या के लिखा था अपने मुह देखा था तो यहां देखो लिखा स्लाइवरी ग्लैंड हिंदी में इनको बोलते हैं क्या देखो लार ग्रंथियां टंग हिंदी में बोलते हैं क्या जीव ये देखो ग्लोटेटेस क्या काम करता है मैं आपको बताऊंगा ये देखो ईसोफेगस इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप आहार नाल अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ ये कहां के खुल गए देखो स्टमक में देखो कितना साफ साफ डायग्राम बना यहाँ आपको समझ में आएगा ये हमारे में खुल गए देखो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो क्या लिखा लेबर इसको अभी अपने हिंदी में क्या बोला था भाई इसको बोलते यकृत देखो उसे नीचे जुड़ा हुआ देखो दिखाई दे रहा आपको ये क्या देखो गोल ब्लडर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता पे है ठीक है अब आप देखो ये लिखा पैंक्रियास जो मैं बोल रहा था देखो इसको हिंदी में क्या बोला जाता अग्नाशय ठीक है थीके? अब यहां से देखो पैंक्रियास के बाद से से यहां हो जाती छोटी स्टार्ट तो इनिशियल पोर्शन देखो लिखा लिखा हुआ बीच वाला डिओडनम बिछुआ जीजोनमीम नहीं लिखा हुआ मैं अभी आपको फिर से बना के आपको बताऊंगा ये छोटी हाथ फिर देखो खाना कहां पे आया ये बड़ी हाथ में देखो हरे कलर की दिखाई दे रही है इसी कम दिखाई दे रहा है येडिक्स बड़ी हाथ में खाना आया फिर यहां से होते 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 ये रेक्टम हिंदी में उसको बोलते हैं मलाशय और ये दिखाई दे रहा है एन एस हिंदी में इसको बोलते हैं क्या गुदा और यहां से क्या हो जाता है फहाना बाहर हो जाता है तो मैं केवल और केवल आपको ये बता रहा हूं कि ये जो रूट जो है ये कहां, -कहां से स्टार्ट होता है कहाँ से होता हुआ चलता है क्योंकि जब तक आपको रूट पता नहीं होगा आप आंसर सही नहीं लगा सकते हो अब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा टाइम मुझे आप देना और पेशेंस आप रखना मैं आपको पूरा का पूरा समझा के बताता हूँ ठीक है और डायग्राम बनाना भी आप सीख लेना इसी बहाने चलिए तो पूरी कोशिश करता हूँ चूंकि पेन टैप पे बना रो मगर बना लूंगा भाई क्योंकि तो जितना सही डायग्राम आप बनाओगे उतना समझ में अच्छा आएगा और दूसरा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है ही और जितने लोग देख रहे हैं कोशिश करना कि आप लोग भी ऐसा बनाते हुए सीख जाओ यदि आप सीख जाओगे ऐसा बनाते हुए तो आपको बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में आ, क्योंकि डायग्राम में तो नंबर आपको मिलेंगे ही यदि आपको डायग्राम समझ में आ आएंगे तो उसका मतलब सामने वाला यदि कहीं भी डायग्राम आप बनाते हो ना सामने वाले को ये समझ में आता है ठीक है भाई इसको डायग्राम समझ में आ गया पूरा इसने लेवलिंग की है प्रॉपर तरीके से इसने बताया है तो उसका मतलब यही है कि इसको सारी बातें समझ में आ गई हैं देखें भाई मैंने बहुत अच्छा बनाने की तो कोशिश की है मेरे ख्याल से बना भी होगा अच्छा आपको कैसा दिखाई दे रहा है आप बताना कमेंट करके बाकी मैंने इसको बहुत अच्छा अपनी तरफ से बनाने की बिल्कुल कोशिश की है जब मैं लेबलिंग कर दूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी हालांकि सब कलर करके देखता हूँ रेज़ हाईलाइट से हो पाता है कि नहीं हो पाए तो बहुत अच्छी बात है भाई हो रहा कलर तो एक अच्छा फ़ीचर इसमें मुझे आज ही चला रहा हूँ इस फीचर को तो मैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग कलर में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी कि आ, क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गन जो होंगे आपको मिलेगा क्या यहाँ से तो क्वेश्चन कैसा करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बोलता कि भाई फला फला का पाचन कहाँ पे होता है इसका पाचन कहाँ पे होता है उसका पाचन कहाँ पे होता तो वो ढेर सारी क्वेश्चन यहाँ से करता है पूछेगा भाई इसका पाचन उसका पाचन उसके अलावा पूछता कौन कौन से जो एंजाइम होते हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं पाचन में पहला क्वेश्चन तो यहीं से वो कर देता है देखो यहाँ बना दो इंटेस्टाइन को छोटी हाथ को बना दो मैं देखो ये एक डायग्राम को और मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा इसको क्योंकि बिना से काम नहीं चलने वाला अपना एक और मैं हाईलाइट करके स्टार्ट कर दूंगा बताना आई थिंक मुझे ये करना चाहिए आ, आ, ग्रीन हो चुका स्काई ब्लू ओके ठीक है तो जितने भी लोग देख रहे होंगे देखो एक डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है ये डायग्राम क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक का डायग्राम है अब मुझे कुछ समझाना है तो मैं अब यहाँ पे समझाना आपको चाहूंगा आई थिंक पेन का ऑप्शन ये है चलिए बात करते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ध्यान से आप देखना चलो आपको भी डायग्राम कुछ इसी तरीके इसका बनाना है आपको मेंस में भी डायग्राम बनाना पड़ेगा देखो ये जो मैंने बोला इसके ऊपर क्या था माउथ उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं इसकी पहले चर्चा करता हूँ देखो इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो हिंदी में इसको आप बोलते हो क्या आहार नाल कहा जाता है थैंक यू वैधरवेन इसको आहार नाल बोलते हैं ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्टमक हिंदी में इसको बोला जाता क्या आमाशय ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या लेवर हिंदी में इसको बोलते हैं क्या यकृत बोलते हैं भाई लीवर कोई नहीं बोलेगा मगर आज ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते है भाई गोल ब्लैडर हिंदी में इसको बोला जाता पित्ताशय तो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं पेंक्रिया हिंदी में इसको बोला जाता भाई, है भाई अग्नाशय ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर एक यहाँ से छोटिया हो जाती देखना है स्टार्ट देखा यहाँ से यह इस पोर्सन से तो मैं तीनों को अलग कलर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ पाए क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन किया था तो इसको मैं कौन सा कलर दे दूँ भाई येलो तो नहीं दूंगा हाँ येलो भी दे सकता हूँ हाँ ये दे दो तो, लाइट ही दे दो डार्क दूंगा मैं चलो यहाँ पे हाँ अब कौन सा कलर मैं यहाँ पे इसको आई थिंक चलो इसको मैं ये कर दूंगा ये तो ग्रीन ही है भाई चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ये कर देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बने हुए हैं और एक और मुझे कलर चाहिए होगा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन यहाँ से किया था तो यहाँ मैं ये यह कलर देना पसंद करूँगा नीला चलो तो बात करते हैं देखो आ, बात करते हैं स्मॉल की तो था कि छोटी छोटी, नाम इसका छोटी होती है मगर ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होती है देखो तो जो पेंक्रिया आपको दिखाई दे रहा है पेंक्रियाज के आपको कलर यहां से हो जाती है छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है पहले मैं लिख देता हूँ नाम फिर आपको बता दू देखो आप फिर आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसा बना था देखो और इन तीनों को मैं मिला दूँ ना इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई छोटी आंत आप सभी लोग तो तो रेड कलर का मैंने अलग से ही बनाया है। तो उसको कहा जाता है येलो कलर जो बना है यहाँ से क्या स्टार्ट होगी भाई यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है पाचन तंत्र जो होता है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो नाम भले छोटी आंत होता है मैं बता दूं आपको इसकी लंबाई पता कितनी होती है छह से सात मीटर देखो मीटर हिंदी में भी लिख देता हूँ ताको आप कंफ्यूजन ना हो छह से सात मीटर इसको बोला जाता है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है तो यहाँ से देखो छोटी का का जो जो इनिशियल है छोटी का जो प्रारंभिक भाग है हाँ जो येलो कलर का मैंने बनाया देखो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग जो है दिखाई दे रहा है येलो कलर का इसको बोलते हैं क्या डिओडनम और जो बीच वाला भाग दिख रहा है आपको ये नीला सा कलर दिख रहा है जो आपको ये ये कह रहा क्या जेजुनम और छोटी आंत का आखिरी वाला भाग देखो इसको बोलते हैं क्या इलियम तो छोटी आंत के तीन पार्ट्स हो गए इसके तीन भाग हो गए कौन कौन से एक होगा डिओडेनम एक होगा जेजनम और एक हो गया इलियम देखो तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो देखो तीनों को मिला के क्या बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत क्या आपको यह बात समझ में आई फिर आप क्वेश्चन बताऊंगे देखो यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन क्या किया अच्छा क्वेश्चन किया उसने चलो बहुत बढ़िया सभी को बात यहां पे समझ में आ गई अब उसने क्वेश्चन क्या किया था यूपीएससी ने क्वेश्चन ये किया था कि भले छोटी आंत के भाई तीन भाग होते हैं कौन कौन से होता है पहला होता है जेजुनम इलियम ठीक है बात समझ में आ गई तो इनको आपको जमाना था बढ़ते हुए क्रम में मतलब लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में जमाना था पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा, फिर उससे उससे बड़ा बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको जमाना था तो एक बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन किया था ये बात को समझ में आ रही है तो देखो उसको याद करने का बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता देता हूँ देखो पहला डीजे डीजे सब ने सुना होगा भाई सुना सभी ने डीजे हालांकि आजकल बजट नहीं रहे डीजे घरों पर रखे होंगे लोगों के डीजे डी फिर देखो लिखा मैंने जे डी सभी नाम सुना है डी जे और देखें आप आई तो बस इतना सा याद आप काम आपको डी जे आई अब देखो मैं यहां से दूसरे कलर से आपको इनकी लेंथ बता देता हूं आप याद करना चाहते हो याद कर लेना इसकी लेंथ होती है देखो पच्चीस सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है जी की होती है देखो टू पॉइंट फाइव मीटर देखो ढाई मीटर और इसकी होती है भाई देखो कितनी साढ़े तीन मीटर देखो जमे हुए हैं तो क्वेश्चन आया था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना था तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है तो सबसे छोटा पोर्सन कौन सा होता है डिओडोनम उससे बड़ा जेजेनम, सबसे बड़ा एलियम तो आपको इतना बस याद रखना क्या डीजेआई देखो डी योग छे और आई तो डीजी आपने सुना ही है तो उसके आगे आईओ लगा देना डीजी आई मतलब और तो और इलियम छोटी के तीन भाग होते हैं तो की लंबाई होती है पच्चीस सेंटीमीटर याद हो जाएगा बस टू इस मीटर को लग करके मीटर कर देना और एक बढ़ा साढ़े तीन मीटर कर देना तो ऐसे छह से, से सात मीटर किसकी लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है तो एक बार यूपीएससी ने पूछा था इनको बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना था डीजीआई को आप जमाओ तो डीजीआई मतलब सबसे छोटा वाला भाग डिओडनम उससे बड़ा वाला भाग जेजनम जे सबसे बड़ा बाला भाग इलियम क्या यहां तक आपको समझ में आया यदि समझ में आए तो यस जरूर कर देना तो मैं कहानी को फिर आगे प्रोसीड करता हूं मैं ओके बरुण ने मुझे जवाब दे दिया है चलो ये आपको दिख रहा है देखो बहुत बढ़िया यहां तक क्लियर हो रहा है देखो फिर से मैं आपको रिवाइज करा के बता दू खाना कहाँ से आया जो भी आपने खाना खाया देखो ईसो फेगर आहार नाल से होता कहां पहुंचा भाई ये पहुंचा, ये स्टमक स्टमक में बाहर निकला देखो इस रूट से गया देखो यहाँ रास्ते में क्या मिला गोलबेडर तो ये अपने कुछ एंजाइम छोड़ेगा क्या छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा फिर खाना आगे पहुंचा देखो तो यहाँ से क्या होगा पेंक्रियास कुछ एंजाइम छोड़ेगा यहाँ से फिर खाना आगे बढ़ा होते होते देखो खाना यहाँ पहुंचा कहाँ छोटी हाथ में यहाँ से होते हुए तीन भाग ये हुआ ये घूमा ये घूमा और आ गया ये बड़ी आंत में आ गया इस छोटी आंत को मैंने ऐसे क्यों बनाया है डॉट डॉट करके तो ये डायग्राम दरअसल कहलाते हैं मेडिकल साइंस में स्कीमिक डायग्राम कहलाते हैं स्कीमिक डायग्राम का मतलब ये होता है इसकी लंबाई होती तो है छह से सात मीटर अब इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा मैं तो उसको डॉट डॉट करके दर्शाया जाता है ठीक है तो खाना आ गया छोटी आंत में फिर जब खाना कहाँ पे आ गया बड़ी आंत में आ गया तो बड़ी आंत में क्या मिलेगा उसको रास्ते में बड़ी फॉर्म अपेंडिक्स फिर खाना देखो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है देखो आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा अलग अलग इसके भाग है मैं आपको बताऊंगा ये जो दिखाई दे रहा है इसको मैं एक थोड़ा चाहूंगा एक थोड़ा सा हल्का सा मैं कोई कलर दे दूं ताकि आपको ये समझ में आए कौन सा कलर अभी तक नहीं हुआ है आई थिंक ये नहीं हुआ है देखो कहा करना यूज़ ही करना पड़ेगा हाइलाइटर विदाउट हाइलाइटर नॉट पॉसिबल ओके ये जो आपको दिखाई दे रहा है देखो ये जो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ इसको बोला जाता है भाई रेक्टम देखो मैं नाम लिखता हूँ जल्दी से ये देखो। था क्या? इसको बोला जाता है, हिंदी में, इसको आप बोलते मलासा है। मलासा में क्या होता, भाई? में मल होता है यहाँ पे मल कुछ समय के लिए रुकता है ना फोर्टी एम एम ऑफ एच जी मर्क्यूरी के दाब की चालीस एम एम के बराबर हो जाता है तो स्टूल पास आउट की अर्ज होती है मतलब मल त्यागने की इच्छा होती है जिसको आप क्या काम करते हो जो एनएस जो दिखाई दे रहा है आपको मैं एनएस को कुछ कलर करना चाहूंगा कलर दे दो भाई ये हो ये हो गए ये दे देता ये दे ये दिखाई दे होल एक दिखाई दे रहा होगा आपको इसको बोला जाता है एनएस इंग्लिश में बोलते हैं क्या एनएस हिंदी बोलते गोदा ये जो है इसको बोलते हैं एनएस हिंदी बोलते क्या गोदा जिसके माध्यम से मल क्या हो जाता है बाहर हो जाता है ठीक है तो एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम को बताना चाहूंगा तो खाना जो आपने खाना खाया मुंह से खाना कहां पे आया आहार नाल में आहार नाल से कहां पहुंचा में 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 आमाशय से खाना आगे बढ़ा तो रास्ते क्या मिला 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 लेवर मिला, ये लेवर है ये यह गोलबेडर है तो यहां से इसने कुछ अपने जूस छोड़े खाना आगे बढ़ गया भाई रास्ते मिला पैंक्रियास अग्नाशय मिला यहाँ से कुछ अपने इसने जूस छोड़े खाना फिर आगे बढ़ गया यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो गई छोटी आंत का इनिशियल पोर्सन छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा डिओड्रम स्टार्ट हो गया ठीक है यहां से खाना आगे बढ़ा फिर खाना आगे कहां पहुंचा जीजर में छोटी आंत कहीं दूसरा वाला भाग फिर खाना कहां पे पहुंचा, में, तीसरा भाग, तीनों को पर पहुंचाइन छोटा चलो बहुत बढ़िया खाना यहां से आगे बढ़ा तो बढ़ाई लार्ज इंटेस्टाइन इसके भी ढेर सारे पोर्सन होते है। जो इतना वाला पोर्शन यहां तक का इतना ट्रांसवर्स कोलोन

ओके okay, ओके okay, सुधीर सर सभी को सब मैसेज आ गया तो यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा है तो सारी कहानी यहीं पर आपकी क्लियर हो जानी है ठीक है तो अब देखो जो अपनी आगे की स्ट्रेटी कराएगी मैंने आज आपको बताया क्या तो मैंने आपको केवल पाचन की परिभाषा बताई कौन कौन एंजाइम कहाँ मिलते हैं ये जानकारी मैंने फिलहाल आपको यहाँ पर दी चलो ये बात समझ में आ गई इसके बाद मैंने क्या बताया आपको इसके बाद अब कहानी आगे चलेगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा माउथ होगा भाई अब पाचन को अपन आगे बढ़ाएंगे तो कहानी स्टार्ट कहां से करेंगे अपन माउ से स्टार्ट करेंगे तो मैं माउ से बताऊंगा दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं क्या काम करते हैं जीभ होती है ये क्या काम करती है स्लाइवर ग्लैंड होती है लार ग्रंथियां होती है ये क्या काम करती है सारी बात अपन इसमें करेंगे फिर मैं हेडिंग क्या डलवाऊंगा भाई मैं बोलूँगा भाई हेडिंग लिखो भाई ईसो लिखो हेडिंग फिर मैं बोलूँगा ईशो के बारे में देखो तो ये जानकारी काम की है फिर मैं हेडिंग का डलवाऊंगा मैं बोलूँ भाई हेडिंग लगू सभी लोग क्या स्टमक आमाश है तो यहाँ कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है सारी बातें आपको बताऊंगा फिर खाना आगे बढ़ेगा तो रास्ते में मिलेगा गॉल बेडर और लेबर यहाँ से क्या क्या काम होंगे मैं आपको हेडिंग लवाऊँगा क्या गॉल बेडर दोनों को एक साथ अपन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में मिलेगा पेंक्रियाज फिर अपन हेडिंग डालेंगे पेंक्रियाज इस समय कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं क्या क्या यहाँ पर काम होते हैं सारी बातें अपने यहाँ डिस्कशन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन खान छोटी आंत की तरफ उसको प्रारंभिक पोषण डियोडनम जेजुनम एलियम तो मैं यहां पर इसकी जानकारी बताऊंगा भाई यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं कैसे कैसे यहाँ पे काम संपादित होंगे फिर खाना पहुंचेगा बड़ी आंत में यहाँ क्या काम होते हैं बड़ी हो अबेटेक्स क्या काम करता है ये रेक्टम का क्या काम है एनएस का क्या काम है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक ऑर्गन को मैं डिटेल में बताऊंगा ठीक है तो आई होप आप सभी को ये तो कम से कम समझ में आ रहा होगा कि आ, मैंने पूरा डायग्राम को एक बार आपको बना के भी बता दिया कि डायग्राम आपको ऐसे बनाना है सारी बातें और ये जो सारे चीजें आपको बताई हैं तो इनको आपको याद रखना है सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खाना पहले छोटी आंत में आता है कि बड़ी आंत में आता है बताओ कमेंट करके भाई खाना पहले कौन सी आंत में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा आप कमेंट करके आप बताएं खाना पहले कहां पर आएगा छोटी आंत में आएगा कि बड़ी आंत में आएगा बहुत बढ़िया अब देखो वरुण समझ में आपको इसलिए आया क्योंकि अपने पूरा सीक्वेंस देखा है कि छोटी आदमी तो में खाना, तो तो खाना पहले आएगा बहुत बढ़िया धर्मेंद्र ने आंसर दिया वरुण ने भी आंसर दे दिया तो छोटी में खाना पहले आएगा निधि ने भी आंसर दे दिया, दिया बहुत बढ़िया आई होप चलो बहुत बढ़िया पिंकी ने भी आंसर दे दिया बहुत बढ़िया स्मॉल एंड टेस्टाइन बहुत बढ़िया ठीक 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 ओके भाई थैंक यू थैंक यू फॉर वैल्यूएबल कमेंट्स ठीक है ओके भाई तो बात करते हैं पहले खाना छोटी आंत में आएगा फिर खाना बड़ी तो यदि आपने डायग्राम को देखा तो आपको पता चल जाएगा अब अभी तो पहले ही उसने क्या पूछा था इनको जमाना था बढ़ते क्रम में अब आपको क्रम ही नहीं पता हो पहले क्या आता है तो आप चित्र में देखिए तो आप समझ पा रहे हो पहले आता क्या? आता क्या है फिर जेजुनम आता हो फिर इलियम आता है तो आपको कहानी पूरी आसान हो जाती है ठीक है तो यहां तक आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी किसी की कोई क्योरीज है बहुत बढ़िया साली ने भी आंसर दिया सुधीर ने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया किसी की भी कोई क्योरीज है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे स्वागत है सभी लोगों का कोई है, कोई है क्वेश्चन तो आप पूछें स्वागत है सभी लोगों का ठीक है तो आपको स्टडी समझ में रणनीति समझ में कैसे इसको पढ़ना है तो कल से मैं हेडिंग का डलवाऊंगा कल की क्लास में अपन हेडिंग का डालेंगे हेडिंग डालेंगे माउथ अब माउथ में क्या क्या मिलता है सारी बातें करेंगे डिस्कशन करेंगे फिर हेडिंग डालेंगे दो तीन दिन के बाद ईसोफेगस फिर स्टमक खाने के साथ साथ अपन जितने भी और... ठीक है सारी बात सभी को समझ में आ रही है तो खाने के जहां जैसा खाना चलता जाएगा ना तो रास्ते में जो जो ऑर्गन मिलते जाएंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा ये एंजाइम देखो ये काम करेगा ये एंजाइम ये काम करेगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना पड़ेगा मुश्किल से चार एक दिन लगेंगे होते होते अपन एनएस तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी ठीक है तो आज के लिए काफी है जो लोग नए जुड़े हों तो अब ये वीडियो आ ही जाएगा तो आप इसको एक बार अच्छे से देखना मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही बताई है डाइजेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है पाचन तंत्र की मैंने केवल और केवल परिभाषा बताई है और डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है ठीक है तो ये जो डायग्राम है ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छा डायग्राम है आपसे भी बनाते ये बनना चाहिए बहुत ईजी आपसे बन सकता है मेरे से इस पेंट टेप पर बन गया तो आपसे तो बन ही सकता है ठीक है तो ये डायग्राम बनाते आपसे बनना चाहिए क्योंकि मेंस में कई बार पूछ लेता है कि उसको समझाना रहता है पाचन तंत्र को आपको समझाना है ठीक है स्टडी जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप जैसा खाना आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ अपन भी आगे चलते चलेंगे ठीक है करीब चार एक दिन लगेंगे तीन से चार तब अपन एन तक यहां पर पहुंच जाएंगे और इसी में एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट हिंदी बोलते हैं संतुलित भोजन की अवधारणा जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ढेर सारी इसमें चीजें होती हैं क्या क्या उसमें होता है सारी बातें अपन चर्चा करेंगे उसी में ठीक है तो जितने भी लोग आज जुड़े सभी लोग पेशेंस के साथ जुड़े सबने सीखा सभी लोगों का बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो क्लास को लाइक कर देना शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों तक ये क्लास मिल जाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन की ठीक है तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल तो कल मिलेंगे अपन साढ़े ग्यारह बजे फिर अपनी टाइमिंग यही रहेगी तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा क्या माउथ हेडिंग डालूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि माउथ में क्या क्या मिलता है अकेडमी में अंकित सिंह ए एन के आई टी एस आई एन जी एच अंकित सिंह नाम से मिलूंगा ओके थैंक यू रानी थैंक यू तो अंकित सिंह नाम से मिलूंगा जो लोग को जैसे मैं इसको मैं रात में भी पढ़ाऊंगा तो रात में आठ बजे मिलूंगा मैं अनअकेडमी चैनल के ऊपर मिलता हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता हूँ तो प्ले स्टोर से आप अन अकेडमी को आप डाउनलोड कर लेना अनअकेडमी को जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा यदि आप नए लर्नर हो पहली बार पहुंचे हो तो एक्सेस करने के लिए कोड का यूज़ कर लेना मैं कोड लिख देता हूँ भाई अंकित ए एन के आई टी अंकित सी टेन इस कोड को आप लिख देना तो आप मेरी क्लास में ईजी तरीके से पहुंच जाओगे ठीक है तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलता हूं मैं आपको कल तो सभी लोग घरों पर रहें बहुत सुरक्षित रहें समय प्रतिकूल है तैयारी जरूर करते रहें मगर तैयारी में कमी कहीं कहीं से भी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मिलते हैं भाई अपन कल साढ़े ग्यारह बजे इसी चैनल के ऊपर और जो रात में मुझसे मिलना चाहते हैं तो का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रात में मुझसे मिल सकते हैं तो आठ बजे मैं आपको बताता हूं यही कहानी चलेगी मेरे ख्याल से आज स्टार्ट होगा ही ठीक है जो लोग लाइव ही पढ़ना चाहते हैं देख सकते हैं और पुराने मैंने मैंने वीडियोस एक टॉपिक हाँ पे कंप्लीट करा दिया साइटोलॉजी तो वो यदि कोई देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है लाइक कमेंट शेयर भी वहां पर कर सकता है तो मिलते भाई अपन कल ओके भाई थैंक यू सभी